देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूं अभी, केमिस्ट्री को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है। तुमको केमिस्ट्री में अगर 70 में से 70 नंबर लेकर के आना है, 100 में से 100% मार्क्स लेकर के आना है, उसका तरीका क्या है। कई सारे लोग बोलते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ रही, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है प्रोटॉन, जीवन भर के लिए कई लोग रोते हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री बहुत आसान लग रही है ना। जब मैं पढ़ता था मेरे साथ के कई लोगों को केमिस्ट्री अभी तक कठिन लगती है। मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ मेरे दोस्त अभी उनको ये नहीं पता कि प्रोटॉन क्या होता है, खाली परीक्षा दिन में उन्होंने याद करे और पास हुए। लेकिन तुम्हारे लिए केमिस्ट्री इतनी आसान कर दूंगा मैं, इतनी आसान कर दूंगा कि तुमको पता नहीं चलने वाला। उसके लिए तुमको करना कुछ नहीं है, है ना, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान लगे केमिस्ट्री। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं डेली वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, डेली तुम लोग को समझा रहा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला काम ये करो, पूरे फोकस से समझो, पूरे फोकस से। वीडियो में देख रहे हो तुम लोग मेरी, पूरा लेक्चर जितना मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ तो पूरे यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ ना। सबसे पहले क्या करना है तुमको, पूरे फोकस के साथ क्या करना है, समझना है। समझ ली तुमने? अब मान के चलो कि मैंने एक वीडियो में एक क्वेश्चन समझाया, एक वीडियो में क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुम लोग को भी एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। सबसे पहले उस एक क्वेश्चन को बारीकी समझो, क्या करना है, क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, एक एक चीज बारीकी समझो। जैसे कि मैंने तुमको अभी क्या पढ़ाया, दिखाओ किताब। मैंने तुमको अभी ये पढ़ाया था, मैंने तुमको अभी ये पढ़ाया 11th क्लास में, 12th क्लास का भी डाल रहा हूँ मैं, है ना। 12th क्लास की केमिस्ट्री का अलग चैनल है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैनल अलग है, है ना। भारती शेर क्लास 12th केमिस्ट्री यूट्यूब पर सर्च करोगे तो क्लास 12th का मिल जाएगा, और भारती शेर 11th क्लास केमिस्ट्री सर्च करोगे तो कहाँ का मिल जाएगा, 11th क्लास का। मैंने अभी तुमको क्या पढ़ाया, क्षार धातु और क्षारीमय धातु में तुमको अंतर मैंने पढ़ाया। सबसे पहले क्या करना है, केमिस्ट्री समझ करके पढ़ना, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाओगे ना, इतनी मोटी किताब है, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। आजाद करोगे कल भूल जाओगे, है ना। और जो समझ नहीं रहा है ना, जो कहीं कोचिंग नहीं जा रहा है, बोलो रट्टा लगाएंगे और परिच्छेदन याद करेंगे, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। ऊपर की 2 लाइन याद करेंगे, नीचे की 3 लाइन याद करेंगे, लिखना भूल गए, पेपर में कई लोग करके आते हैं। लेकिन जो समझ रहा है उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। सबसे पहले मैं तुमको एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ कि संयोजकता कोष क्या होता है, मतलब परमाणु का सबसे बाहरी कोष। समझाया क्या चीज मैंने, एन क्या होता है, एस क्या होता है, एक एक बारीकी से हमने समझे, समझ लिए। बारीकी से एक चीज समझना है, मैंने तुमको आधा वीडियो में समझा हूँ कैसे समझना है ना। बारीकी समझ ली तुमने, जब बारीकी से एक एक चीज समझ लिए, पूरे फोकस से समझना है, उसके बाद फिर एक एक वर्ड का मतलब समझना है। ये मतलब क्षार धातु है, सभी मतलब सभी की सभी, धातु मतलब जो धातु होती है, सोडियम पोटेशियम है ना, रूबिडियम फ्रांसियम सीजियम, चमकदार, चमकदार मतलब चमक मारती है ना, समझ में आ रहा है, क्या मारती है, चमक, है ना। और हल्की होती है और मुलायम होती है, मुलायम मतलब नरम, हाथ से दबा सकते हैं, समझ गए इसका मतलब। इस प्रकार से पूरा समझना है, मन में फिर दोहराना बिना देखे, फिर उसको समझे अपन एक वर्ड का मतलब, फिर मन में दोहराए, पूरा पूरा अपन समझ लिए, समझने के बाद फिर अपन ने एक शब्द का मतलब समझे, फिर मन में अपन ने क्या करे, इसको दोहराए, मन में दोहरा लिए, मन में दोहरा मतलब उसको किताब बंद करे और बिना देखे अपन ने पूरा मन में बोले। अब तुमको वो याद हो गया, हो गया याद। जैसे ही तुमको वो चीज याद करके हुई, फिर तुमको क्या करना है, जैसे तुमने फोकस के साथ समझे, जैसे तुमको वो चीज याद करके हुई, तो याद करने के बाद फिर दूसरा काम जो करना है, देखो पहले पूरे फोकस साथ तुमको क्या करना है, समझना है, समझना है। किससे समझोगे, तुम्हारे माँ से समझ लेना, ये यूट्यूब पर और भी लोग पढ़ाते हैं उनसे समझ लेना, या फिर मैं पूरे लेक्चर डाल रहा हूँ, मैं से समझना है आपको, जिसको आपको अच्छा लगे उससे आप समझो, है ना। ठीक, समझ लिए। और समझने के बाद जैसे ही आपने इसको समझे, केमिस्ट्री को समझने के बाद फिर क्या करना है, इसको याद करना है, याद करना है, है ना। फिर याद करने के बाद फिर बिना देखे बोल के देखना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, बिना देखे बोलना है। और जब आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा, तो याद करने के बाद क्या करने के बाद, याद करने के बाद फिर आपको किताब करना है बंद और निकालना है एक रफ कॉपी, और रफ कॉपी में डालना है उत्तर। और ये समझना कि आप परीक्षा के हॉल में बैठे हो और आप इसका उत्तर लिख रहे हो, पूरा उत्तर आपको लिखना है, लिखे पूरा उत्तर, खटाखट करना है आपको, पूरा आंसर इसका लिखना है, बिना देखे लिखना है। और जैसे ही आपको पूरा आंसर लिख करके हुआ, जैसे ही आपको पूरा आंसर लिख करके हुआ, फिर ये समझना कि तुम मास्टर हो
और तुम खुद अब कापी चेक करना, ये स्टूडेंट समझ के चेक मत करना, खड़ूस माथा बिल्कुल बारीकी से ऐसे गलती निकाल रहा है, ये समझ के फिर चेक करना है। चेक करने में तुम्हारी कई सारी गलती निकलेगी। तुम डायरेक्ट याद कर तो पेपर में लिखने के लिए बैठ जाते हो और बोल के आते हो कि हमने पूरा करके आया, नंबर नहीं मिले, फिर चेक करने वाले को दोष देते हो कि चेक करने वाले ने गलत चेक करा। उन्हें गलत चेक नहीं करा, तुमने गलत लिखे, गलत तुमने याद करे, और तुम दोष किसको दे रहे हो? चेक करने वाले को। वो सही काम कर रहा है, अनुभवी व्यक्ति चेक कर रहा है तुम्हारी कॉपी, 50 साल से पढ़ाने वाला है ना। फिर तुम खुद लिख रहे हो, फिर खुद चेक करना, फिर तुम खुद गलती पकड़ में आएगी, वो गलती पे गोला पाड़ना, फिर से याद करना, फिर होगा तुम ऐसा याद हो जाएगा तुम परीक्षा क्या तुम जीवन भर नहीं भूलने वाले। मैंने इसे याद करा था, आज 10 साल हो गए, वो आज कितने 5-6 साल हो गए, अभी तक पूरा याद है मुझे। क्यों याद है? और ये मेथड मैंने खुद बनाया हूँ, है ना, किसी को भी करके नहीं बता रहा। क्लियर? ये तरीका होता है, टॉपर लोग की जिम्मे से होती। मैं से एक साल सीनियर जो बंदे ने पढ़ा था, उसने मैं 11th में था, वो 12th में था, हमने 4-4 घंटे विचार करे तो ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार से पढ़ना है। उस बंदे ने 12th में बेसिक पढ़ा, उसको 12th में 88% बना, मैंने 11th में बेसिक पढ़ा, मेरा 11th क्लास में फर्स्ट आया, 86% बना मेरा 11th क्लास में। आजकल फिर उतना परसेंट नहीं जा पाता है, बच्चे लोग में दम ही नहीं बचा है, 70-75 तक बस पहुँचा पाते, पिछली बार का मात्र 75 हाइट गया था, है ना। आजकल तो लैपटॉप भी नहीं मिल रहा तुम्हारे स्कूल में, पर आज से बंदे लोग कितने 95% बना रहा है, और जहाँ के स्कूल में कितने जा रहा है 85-86 जा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। मेरे को लग रहा है मुझे पूरी कोचिंग खोलना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब पढ़ाना चालू करना पड़ेगा, तभी जाएगा एक आध बार 95%। 9वीं क्लास में 98 हाइट गया पिछली बार, पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ, सरकारी स्कूल का 98 आज तक किसी के नहीं गया। तुम लोग को भी सरकारी स्कूल में 98 नहीं गया हो, किसी का गया किसी का 98, लेकिन मेरे स्टूडेंट जितना गया 98% हाइएस्ट गया। स्कूल वाले घबरा गए थे, बाहर से पेपर आए बाहर जचने के लिए गए, समझ रहे हो ना कितना गया? 98 गया हाइएस्ट। मेरा 12th में लक्ष्य था 90 बनाने का, लेकिन मैं नहीं बना पाया, लेकिन मेरे को वैसे स्टूडेंट भी नहीं मिल पा रहा डेडिकेशन वाले। मेरे को मेरे जैसे स्टूडेंट मिलेगा ना डेडिकेशन वाला, मैं तो उसको 99 भुजवा दूंगा। लेकिन वैसा बंदा मिलना चाहिए जो बिल्कुल समर्पित रहे, लेकिन वैसे बच्चे और किसी बच्चे को जो हल्का सा मैंने प्रेशर डाला, पिछली बार प्रेशर डाला था मैंने 10th क्लास में इन लोग के ऊपर, इनने आने बंद कर दी है ना। एक दिन 3 घंटे बिठा लिए थे पढ़ाने के लिए, उसके बाद से आने बंद कर दिए, इसलिए ज़्यादा पढ़ाने का भी नहीं है, 1 घंटे मतलब 1 घंटे पढ़ाने का है नहीं, ऐसा रहता है। बिना देखे आपने बोल लिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? बिना देखे लिखना है। क्या करना है? लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है? खुद की गलती निकालना है। 5वें नंबर पर आपको चेक करना है, लिखा वाला क्या करना है? आपको चेक करना है, और जैसे आप लिखा वाला चेक कर लोगे, फिर चेक करने के बाद क्या करना है? इसको याद होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन याद हो गया, अभी मैं समझ नहीं, याद हो गया, फिर क्वेश्चन याद हो गया, फिर अगले दिन कोचिंग आने से पहले फिर से उसका रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। कोचिंग आने से पहले क्या करना है? रिवाइज करना है। कोचिंग आने के पहले रिवाइज करें, है ना, बाहर बैठे हो रिवाइज कर लिए, उसके बाद फिर कोचिंग से जाने के बाद फिर इसी को रिवाइज करना है, फिर इसी को करना है, रिवाइज करना है, फिर नया वाला पढ़ना है। फिर नया वाला कैसे पढ़ोगे? इसी मेथड से पढ़ोगे। फिर एक दिन बाद फिर इसको फिर रिवाइज करना है, मतलब आज का नया पढ़ने से पहले तुमको परसों का रिवाइज करना है, फिर कल का रिवाइज करना है, फिर आज का नया पढ़ना है। इस प्रकार से बनाओ अपनी हैबिट। अगर तुम्हें डेली का डेली करोगे ये काम करने में, मात्र तुमको 1 घंटा लगेगा। मैं घर पे मात्र डेली, है ना, एक खट्टा मत पढ़ो, भले खरगोश की चाल से मत चलो, भले कच्चू चाल से चलो, डेली 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन डेली केमिस्ट्री 1 घंटे पढ़ो। जितने वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा है, जितने तुमको समझा रहा हूँ, डेली उतना 1 घंटे डेली पढ़ो, है ना। 11th के वीडियो डालता हूँ, 12th के भी डालता हूँ, डेली 1 घंटा उतना डेली पढ़ो। केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर नहीं आते तो मेरे को बोलना, ठीक है ना, लेकिन ये डेली करना पड़ेगा। और किस दिन कोचिंग नहीं आ पाए, किस दिन का छूट गया, जिस दिन का छूट गया उस दिन का छोड़ दो, उस दिन का छोड़ दो, पहले आज का कवर करो, फिर आज का कवर करने के बाद अगर समय बचता है तो फिर पुराना वाला उठाओ। जो पुराने वाले चक्कर में ना पुराना वाला कर पाओगे ना आज का कर पाओगे, आज का भी आगे बढ़ते जाएगा। पुराना वाला छूट गया उसको छोड़ दो, आज का पकड़ लो और आज का करना शुरू कर दो। जो होता तरीका पढ़ने का मेरे हिसाब से।